उसको धोखा नहीं दे सकती और मैं ये एक्सेप्ट करूंगी ही नहीं ये सब चीजें। मम्मी उससे थोड़ी ना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है यार, मैं को मत आने दो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक झोक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइज आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज निदा के घर वाले आने वाले हैं, मतलब मेरे इन लॉस, मेरे ससुराल वाले आने वाले। वो लोग जब भी मिलते हैं हम लोगों से, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि सब लोग बहुत फ्री है, सेम मेरे घर वालों की तरह। मतलब मेरे घर में निदा ज्यादा फ्री है और यहाँ पे मैं ज्यादा फ्री हूँ। तो गाइज मजा आती है ऐसा एक दूसरे की फैमिली के साथ मस्ती मजाक करने और इंजॉय करने। फैमिली हमारे साथ इन्वॉल्व होती है, हमें भी अपनी तरह समझती है कि हाँ नहीं ये भी हमारी तरह है, हम भी इसके साथ सेम मस्ती मजाक कर सकते हैं जैसे ये दोस्तों के साथ करता है वैसे ही हम इसके साथ कर सकते हैं। तो अभी उन लोगों का वेट करते हैं और फिर आप लोगों को बताएंगे क्या क्या करने वाले। निदा के घर वाले आ चुके हैं, मतलब मेरे इन लॉज सब लोग आ गए, तो सबसे मिलते हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग? मस्त। निदा खाना वाना बना के रखिए। थैंक यू। निदा ने बनाई अपने हाथों से बटियारा बनाया। निदान अपने हाथों से पैसा दिए और ऑर्डर दिया। इसमें निदान का प्यार है, तरी वाला मस्त तरी वाला प्यार है। और निदा क्या कर रही है अंदर? निदा क्या कर रहे हो? कचुमर बना रही हूँ। किसका? तुम्हारा। बाहर घर वाले खाना खाने बैठे और तुम यहीं पर टाइम पास कर रहे हो अभी तक? व्हाट इज दिस? हाँ लाओ 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 लाओ। गाइस नींबू। थैंक यू दामाद जी। मैं कंजरा। दामाद जी पधारो खाने के लिए। खाओ खाओ। बारह कल्ला बारह कल्ला। सैलेड लेके आता हूँ। ए सैलेड डोरे। निदा व्हाट इज इतना टाइम लगेगा ना, मेहमान गुस्सा हो जाएंगे। निदा मेहमान नहीं है, फटाफट सैलेड लो। चलो गाइज ये जो आया है छोटा बच्चा, इसके साथ हम लोग एक चैलेंज करने वाले हैं 24 आवर्स लिविंग लाइक अ पेरेंट। मेरा भाई है वो। हाँ तो बच्चा ही है, भाई है तो। हाँ तो गाइस हम लोग इनके साथ करने वाले हैं 24 आवर। क्या करने वाले? लिविंग लाइक पेरेंट्स। यू अग्रीड? यस। ओके डन गाइस। ये बहुत परेशान करता है, मेरे को लग रहा है कि इसके साथ में अगर पेरेंट्स बनेंगे नहीं तो, और मैं माँ बाप, तो ये हमारी माँ बहन कर देगा। आई अग्री टू इट, है ना? आई स्ट्रॉन्गली बिकॉज ही इज माई ब्रदर। आई नो ही, शी नोज हिम वेल। देखा देखो कितना कितना शक्कर गिरा रहा। देखो देखो देखा। गाइज मेरा हाल बेहाल होने वाला मुझे लग रहा है। इजा कहीं गलती तो नहीं कर दिया मैंने? गलती तो क्यों? क्या किया? गलती किया। शादी करके ना तेरी बहन से? नहीं। तो क्या गलती किया बता सर? क्या गलती किया? अच्छा वो बोल रहा है चैलेंज वीडियो नहीं बनाना चाहिए, बोले हालत खराब कर दूंगा मैं। ऐसा हमारा खाना वाना हो गया है, मस्ती मजा हो गई, अब बारी आई है अच्छी बात की जो मैं आप लोगों को बताया था ट्रीटमेंट की। सो गाइज ये तनवीर भाई है और ये रुखसार दीदी है, ये दोनों वालेकुम सलाम, ये दोनों डॉक्टर्स है। ये कायरोकिनेटिक डॉक्टर है और ये फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है। कायरोप्रैक्टिक, सॉरी कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर। कुछ तो बोलना सीख लो, दुग्गल साहब जैसे हो रही हो तुम भी। काश मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो होते। हालांकि मैं इंजीनियर हूँ लेकिन फिर भी नहीं आता है। डॉक्टर का नहीं आता ना, इंजीनियरिंग का पूछ ले तुम्हें। जो पढ़ाई किया वो आता है, बस हो गया ना। और क्या, कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर और ये फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर। तो गाइस इतना बोलना आता है मुझे। मेरा काम एक्चुअली होता है कि बोन को अलाइन करना। जो हम एवरी डे बैठते हैं, बैठ बैठ के ओवर स्ट्रेस हो जाता है हमारे बैक में, नेक में, हड्डी जब अपनी जगह से हटती है तो थोड़ा पेन करता है, स्टिफनेस होती है। तो मेरा काम है क्योर करना, हड्डी को अपनी जगह पे लाना। कंडीशंस लाइक स्कोलियोसिस हो गया, काइफोसिस हो गया, या आपका शोल्डर का अलाइनमेंट चेंज हो गया है या नेक का अलाइनमेंट चेंज हो गया है, काफी बार गैप कम हो जाता है दोनों बोन्स में, तो बहुत बार डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपकी नस दब रही है, आपके हाथ नम हो रहे हैं, कभी पैर नम हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें ये टेक केयर करते हैं। ओके। एज अ फिजियो मैं ये सारी चीजें टेक केयर करती हूँ। जैसे आपका फ्रैक्चर हुआ, अब आपका हाथ प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा है, या अगर आपका एल्बो का फ्रैक्चर हुआ, आपका एल्बो बंद नहीं हो रहा है, या आपका शोल्डर नहीं उठ रहा है, या आपके बैक में फ्रैक्चर हुआ है तो आप करवट लेने में आपको तकलीफ हो रही है, तो फिजियो से आप अपना नी रिप्लेसमेंट 10 साल 15 साल पोस्टपोन कर सकते हो। कि आपको अगर अभी नहीं कराना, आपकी 55 भी उम्र है, तो आप अभी फिजियो लेके अपने नी को इतना हेल्दी कर सकते हो कि आप 10 साल तक विदाउट पेन फ्री आप जी सकते हो। ओके। सो उससे क्या आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। काफी लोगों को ऑपरेशन इतना कन्वीनियंट भी नहीं लगता है, डर भी लगता है। सही बात है। काफी लोगों को डायबिटीज ये सब होती है, जिसमें डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप पहले फिजियो करा के देखो, अगर उससे आप ठीक हो जाते हो तो आपको जरूरत ही नहीं है। मैंने भी ली हूं इनसे फिजियो, मेरे पैर का नम हो गया था, आई वाज वेरी रिलीफ। मेरी नेक पे भी यहाँ पे बहुत वो क्या हो गया था, वो क्लॉथ स्पाज़म हो गया था। स्पाज़म कुछ तो है, मसल स्पाज़म। शादी के बाद कौन सी शादी का स्ट्रेस? ये गड़बड़ दबा दी थी मेरी, अभी तो प्रॉपरली दबाई है ना। हाथ
दबोच लिए पूरा मेरे को इसने। तो गाइस आप लोग आई होप समझ गए होंगे, बाकी का जो भी डिटेल रहेगी इनके चैनल पे आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, मेरा भी शूट कर रहे हैं, इनका भी शूट कर रहे हैं। तो गाइस आप इनके चैनल पे जाना, मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। बाकी मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, समझ रहे आप लोग। गाइस डू वॉच आवर चैनल एट द कायरो फिजियो कपल, थैंक यू। यस गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके देखना और इनसे कॉन्टेक्ट करना, जो भी आपको प्रॉब्लम है इनको बताना इंस्टाग्राम पे। तो गाइस अभी चालू करते हैं फटाक से, एकदम मजा ही आ जाएगी। चलो जाओ अभी बिस्तर पे लेटो, तुम्हारी लेटने की बारी है। हाँ सकती हूँ मुझे। आपको बेसिकली कहाँ कहाँ पेन है? पेन मुझे तो एक बैक में है, ये एरिया में, हाँ इधर। ओके। और ये कभी कभी हाथ के पीछे भी होता है, दोनों साइड। अच्छा, यहाँ पे आया, दोनों साइड होता है। पर हमें जिम करने के टाइम पे जब मैं डंबल उठाता हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत पेन आता है, मतलब ऐसा होता है कि मेरी गर्दन ना चक्कर, आंखें एकदम भारी भारी हो जाती है पेन की वजह से। इसलिए मैं बोलूं तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चलता है, तुम्हारे ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है दिमाग तक। ब्लड आने नहीं दे रही, यहीं पर पी जा रही हूं मेरा ब्लड, तो क्या करेंगे बताओ। कुछ नहीं, ओ जन्नत में आ गए ना। ना थोड़ा जरा कान का इलाज करो, बहुत जोर जोर का चिल्लाना पड़ता है। हालांकि मुझे नीता ने कंप्लेंट की है, बहुत कम सुनती है, सुनता है मेरी बात। सोच रहा कान खोल दूं तो ऊंचा सुनाई दे। ये सुनाती ज्यादा है, मैं अपनी चॉइस से कम सुनता हूँ। पूरा स्पाइन के जो भी बोन्स होते हैं उसको वो अलाइन भी कर देगी और थोड़ा गैप्स भी वापस नॉर्मल गैप्स हो जाएंगे, जो पहले था उससे बेटर हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो जिससे पूरा स्पाइन पे लाइक लास्ट बोन तक वो हिट करेगा। सबूत चालू रख लिया। कैसा था? नीचे तक प्रेशर आया, लोअर बैक तक आया, पूरा स्पाइन को अलाइन कर। मलापन जोए छे मेरे को बहुत तकलीफ है यार लोअर बैक में, आई नीड दिस व्यान। कैसे लेड़ के है ये, तो आज मेरी बारी नहीं आने वाली गाइस। एक पैर का ही छोटा, एक पैर का छोटा है, राइट वाला पैर। इसके लिए आपको एक नंबर छोटा का चप्पल बनाना पड़ेगा। अरे ये तो अजीब हो गया, एक 9 नंबर, एक 10 नंबर। नहीं एक्चुअली इसलिए ऐसा होता है कि जनरली हम हमारी बॉडी का वेट जब एक पैर पे ज्यादा शिफ्ट करते हैं तो उस पैर का बोन का जो गैप होता है वो कम हो जाता है, जनरली इस एरिया में। तो ट्रैक्शन के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, पर क्या होता है जब ऐसे खड़े रहते हैं एक साइड या इस तरफ, तो ये सुफियान यहाँ पे ज्यादा वेट देता है, उस वजह से यहाँ का हाइट थोड़ा छोटा हो गया, गैप कम हो गया। इज इट? या आफ्टर ट्रीटमेंट आप देख पाओगे, ट्रीटमेंट के बाद देख पाओगे नॉर्मल हो गया। अभी तुम्हारा एक पैर बड़ा हो जाएगा सुफियान, मालूम है उंगली में से बहुत बास आती है, समझे ना, टेंशन हो रहा ना मेरे को। आप देख पा रहे हो, अयला जादू, जादू हो गया, दोनों इक्वल हो गया। यहाँ पे हमने जब ट्रैक्शन दिया तो ये थोड़ा नॉर्मल हो गया, इस वजह से गैप इसका वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, ये दोनों पैर सेम हो गए। चलो हो गया, अभी उठ जाओ। हो गया, हो गया। मेरे को गाना याद आ गया। कौन सा? अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। सो गाइस मेरा हो गया, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, एकदम लाइट न्यू बॉर्न बेबी दिख रहा हूँ मैं, लग रहा हूँ मैं, दिख रहा हूँ बोल रहा हूँ सॉरी। मतलब ऐसा कोई भी उठा लेगा मेरे को, बहुत मजा आ जाएगी, लाइट फील हो रहा है। अब निदा की बारी है, निदा बहुत ही एक्साइटेड है सामने, देखा अरे चेहरे में खुशी तो देखा, अरे रे 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 रे, चल लेट बेटा फटाफट चल। So yes, I'm excited. अभी हमारी सेकंड पेशेंट है नीदा। Yes. अब हम देख लेंगे, थोड़ा उनको एक्सेस कर लेंगे, कहाँ कहाँ पे पेन है। इसको पूरी बॉडी में पेन है। अच्छा, तुमको 24 घंटा भी हड्डी फोड़ के बोलेगी नहीं मेरी हड्डी बची है। अच्छा। इसका काम ये है गाइस, हर एक हड्डी में दर्द होती इसको है। इनका काम भी तो इतना एवरीडे, एक सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, लंच, डिनर, साथ ही साथ वीडियो करो, हाँ मतलब कोई बनाओ, चाय बनाओ, नाश्ता, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, फिर वीडियो, नो लंच, फिर डोंट डू लंच। इसकी जबान की हड्डी फूटी क्या जो बंदी रह रहे? हाँ हड्डी फोड़ते खोलने के लिए। मस्त आवाज आई, घुट कर गया आवाज, घुट कर गया एकदम। तोड़ दो गर्दन ही, तोड़ दो इसकी। मौत को छूके टक से वापस आ। अभी कान छूटेगा, मेरे कान बहुत तेज है, मैं सुन नहीं तुम की आवाज, थोड़ा और खोल दो ना, ताकि अंदर के दिल की बात भी सुन लो, जो मन में गाली दे रहा हो तो भी सुन। नहीं नहीं भाई, फिर मत खोलो भाई, मत खोलो, ज्यादा रिस्की है। मन की बातें सुनने लग गई तो हो गया फिर।
अब इसमें तुम्हारे को मजा ही नहीं था, ये वाला खतरनाक है, थोड़ा आगे जाओ। ये वाले में तो पूरी बॉडी मेरी चिलक गई थी यू करके। अब ये हम करेंगे स्पाइनल ट्रैक्शन, जिससे पूरा स्पाइन को अलाइन किया जाएगा, एकदम टेल बोन तक इसका असर जाता है। ओ फ्रीक, मजा आ गई। नीचे तक आया। मजा आ गई, पहले तो डरा दी इसने। मैं 2 सेकंड के लिए इतना जोर से खींच गया। ये ओवर एक्टर है जो मालूम है ना, घर की मेंबर है मालूम है, कैसे नहीं पता। मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ, थोड़ा ओवर एक्टिंग करती है। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, पेन नहीं है ना कहीं पे? नहीं, रिलीफ है। मेरे को तो लग रहा है मेरी जो भी प्रॉब्लम थी सब सॉफ्ट हो गई है। सॉफ्ट हो गई है। अरे सुफियान, शिट माय बैक इज नॉट पेनिंग। हां, नहीं दर्द हो रही है। उठक पटक करो 4 बार। आई स्वेयर, मेरी एक दो दिन से मैं खांस रही थी ना, तो बिकॉज़ ऑफ दैट मेरे को ना यहां पे बहुत प्रेशर आ रहा था। नाउ आई एम फीलिंग सो रिलीफ। उठक पटक करके दिखाओ। हां, 4 बार करो, बोलो सॉरी सुफियान, सॉरी। सो गाइस, इसका पैर नॉर्मल है बट दिमाग से एबनॉर्मल है। जाने दो, फिर बताती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता। सो गाइज, मेरा ट्रीटमेंट तो हो गया एंड आई एम रियली रिलैक्स। सच्ची में यार, अब मैं सुफियान, मुझे कब लेके जा रहे हो हनीमून? आई एम रेडी फॉर इट। हनीमून जाएंगे, एक दिन आएगा वो दिन कभी नहीं आने वाला। देखते अभी यहाँ पे सुफियान की मसाज हो रही है, तो मैं भी देख रही हूँ कि अगर कभी इनको हुई तो मैं भी खुद समझ ले। बट डॉक्टर डॉक्टर होते हैं यार, उनके जैसा इलाज अपन नहीं कर सकते। सो गाइस, मेरा फिजियो भी हो गया है और अभी मेरी गर्दन भी थोड़ी फ्री हो गई है। पहले मैं सिर्फ निधा को यू कर रहा था, अब मैं निधा को यू भी कर सकता हूँ। तनवीर भाई एंड रुखसार दीदी, बहुत ही ज्यादा रिलीफ हुआ है। सो गाइस, अभी मैं हर हफ्ते रुखसार दीदी और तनवीर भाई को फोन करूंगा ताकि मेरी बॉडी थोड़ी फ्रीली चलते ना, मेरा पोस्चर ठीक हो जाए। मेरा पोस्चर झुक गया गाड़ी चला चला के यार, इसके सामने झुक झुक के, बोलो क्या ही करेगी अभी। निधा तुमको कैसा लगा? झुकना तो तुमको है ही बेटा, कुछ भी कर लो। कैसा हंस रहा है? सो गाइस, इन दोनों की जो YouTube अकाउंट और Instagram अकाउंट है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप लोग इनसे कांटेक्ट कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट ले लीजिए, बुकिंग कर लीजिए। आप हमें Instagram पे DM कर सकते हो, YouTube पे हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हो। यस, जल्दी से जल्दी जाओ और DM करो और अपनी बुकिंग करो, अपनी बॉडी को फ्री कर दो। सो गाइस, अब वक्त आ गया है कि हम लोग मम्मी और टट्टू के साथ प्रैंक करे। वो लोग भारी है इसलिए हम लोग थोड़ा स्लो बात कर रहे हैं। तो मैम, तुम कैसे भी करके सबको नीचे लेके जाओ। बट मैं मम्मी को यहाँ पे रोक लूंगी। ठीक है, ठीक है, डन, ठीक है, डन। अरे बट यहाँ पे कहाँ लगाऊं कैमरा? कैमरा यहाँ सेट कर दो ना, इधर नहीं दिखेगा, झाड़ के पीछे तुम्हारे। ये देखो, झाड़ के पीछे सेट कर लो, इधर इधर। चलो गाइस, हम लोग देखते हैं कैसे सेटअप करना है। ओके, सो गाइस, अभी हम लोग सब जा रहे हैं नीचे बिल्डिंग में एमिनिटीज दिखाने सबको, अंकल को और फायजा आंटी को, रुखसार दीदी को, हम लोग सब बच्चे लोगों को खिलाने लेके जाएंगे। yes, नीचे और मैं मम्मी के साथ यहीं पे रहूंगी। चलो ठीक है, तुम रहो, हम लोग जाते हैं। बाय बाय, सी यू। चलो चलो चलो। सो गाइस, प्रैंक स्टार्ट करने का अभी आ गया है, बहुत अच्छा मौका मिला है। मम्मी लोग मतलब सब लोग नीचे जा चुके हैं, मम्मी अंदर वॉशरूम में। अब मैं उनको बुलाऊंगी जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलते। क्रॉस फिंगर्स, कैमरा चालू है कि नहीं? दिखेगा नहीं यहाँ पे कैमरा, इसलिए वैसा किए हम लोग ने पूरा सेटअप। ओह माय गॉड, आई एम सो स्कैर्ड। मम्मी इधर आओ। तू जाने क्यों नहीं दी मेरे को? मैं वो बात करनी है तुमसे। क्या बैठो जरा, जाने क्यों नहीं दी तेरे बाप के साथ? जो मैं रूम बंद कर देती हूँ, रिलैक्स हो जाओ पहले। जाने क्यों नहीं दी तेरे बाप के साथ मेरे को? तो क्या काम है? काम तो बहुत है मम्मी। अरे मम्मी, एक्चुअली ना मैं तुमको इतने दिन से बोल रही हूँ ना कि मेरे को थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, ये वो। हाँ। मैं बहुत स्ट्रेस ले ली हूँ चीज़ों का। किस बात का स्ट्रेस? अभी तुमको पता नहीं मैं कैसे बताऊँ, मैं थोड़ा डाइसी हूँ चीज़ों को लेके। सुफियान के साथ थोड़ी चीज़ें नहीं चल रही है बराबर। क्या नहीं चल रही? अब तुम समझो ना मम्मी यार। मैं क्या समझूँ, बता मेरे को। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ कमी है हम लोग दोनों के बीच में अभी भी, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारा कलेश हो रहा है हम लोग दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो हर घर में होता है वो, हर घर में होता है मम्मी। बात बराबर है तुम्हारी, पर कैसे बोलूँ तुम्हारे को, मेरे को उसके साथ नहीं जम रहा है अभी। मैं सोच रही हूँ कि मेरा कोई शादी करने का डिसीजन कुछ जल्दी तो नहीं हो गया, थोड़ा मुझे समझने में थोड़ा टाइम लग गया सुफियान को। क्या मतलब समझे? मुझे नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि अब सुफियान के साथ शादी करके कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। क्या पागल है क्या? इतने साल से मोहब्बत कर रही है फिर गलती कर दी, बोल रही है ऐसी बात कर रही है। अब मैं तुमको पूछने के लिए यहाँ पे रुकाई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। मुझे एक्चुअली क्या हो गया ना कि हम लोगों के झगड़े की वजह से कोई और इंसान है जिससे मैं बात करने लगी हूँ, तो मुझे बहुत अट्रैक्शन फील होने लगा वो तरफ, उसके तरफ, वो लड़के के तरफ। दिमाग ठिकाने पे है क्या तेरा? तुम कितना हाइपर हो रहे हो।
तेरा दिमाग ठिकाने पे गया निधा, ऐसी फालतू बातें कर रही है। इतना अच्छा बच्चा है, तेरे को सब चीज तो दी, अभी और क्या चाहिए तेरे को? अरे मतलब नहीं हो पा रहा है थोड़ा, नहीं हो पा रहा मतलब क्या होता? तू दुनिया भर के लोगों को दिखा रही है, तू इतना अच्छे से रह रही है, दो बच्चा भी इतना अच्छा है, वो अब और कैसा लड़का चाहिए तेरे को? मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी और उसके बीच में कुछ तो ऐसी चीजें रह गई है जो निधा, हर घर में होता है ये चीज। ऐसी मत बात करके तो देखो कोई दूसरे से बातचीत कर रही है, देखो अच्छा लग रहा है, ये सब चीजें गलत है निधा। मैंने अभी तक उसको बताया ही नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। कोई मेरे से पूछना ही नहीं चाहिए, तेरे को मालूम है तेरी माँ का डिसीजन क्या होगा? मेरे को वो लड़का पसंद था इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ बोली। इतने साल तुम लोग चाहिए, 3-4 साल तुम लोग का प्यार है, सब कुछ देख के तूने शादी की और बच्चा इतना अच्छा है माशाल्लाह, जैसा मेरे को दामाद चाहिए था वैसा दामाद है, अब उसमें तेरे को क्या है? नहीं, बट तुम नहीं समझ पा रहे हो कि क्या नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे अभी उसके तरफ जो लाइकिंग थी अब वो मुझे किसी और के लिए हो रही है। तेरे को किसी और के लिए लाइकिंग हो रही है, फिर उसके बाद फिर तू बोलेंगे किसी और के लिए लाइकिंग हो रही, तो क्या खेल लगा के रखी है क्या? हाँ मैं क्या करूँ मम्मी यार, कुछ नहीं, मेरे को ये सब बातें मत कर, मैं तेरे बाप को फोन कर डालूंगी, देख ले ये सब चीजें, ये सब चीजें बोलने के लिए तो मेरे को बुलाई है यहाँ पे। मैं ये चीज में बिल्कुल राजी नहीं हूँ, नहीं सोचना भी नहीं, सोचना भी अगर ये सोच भी रही है तो खत्म कर सोच, ये दामाद के अलावा मेरे को कोई नहीं चाहिए, समझ रही है? पर मम्मी यार मैं कैसे रह लूं अगर मेरे को नहीं जम रहा है? मैं वो सब चीज रहना पड़ता है, हर औरतें रहती है तो कहते को कोई जुलुम नहीं कर रहा, तेरे को मार नहीं रहा, इतना अच्छा बच्चा है, तेरी हर चीज में हाँ में हाँ करता है, हर चीज तेरे लिए पूरी करता है, अब तेरे को और कौन सा चाहिए? वो सब चीजों के अलावा इंसान में अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्या, तुम लोग दोनों का इतना अच्छा बॉन्डिंग है, इतना अच्छे बॉन्डिंग होने के बाद तुम लोग शादी किए ना, फिर अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? मुझे वही लग रहा है कि मैं घाई तो नहीं कर दी शादी के लिए, 4 साल तुम लोग का अफेयर चला, अब और उससे ज्यादा क्या तेरे को, अभी इतनी क्या घाई है तेरे को, करी ना शादी, 4 साल अफेयर के बाद ही शादी की ना, तो फिर मम्मी बट मुझे अब नहीं रहना। निधा मेरे को ये फालतू बातें नहीं करना, तूने सुफियान को बताई ये बात? क्यों उसको बता के क्या करूँ मैं? मैं ये सब चीज के खिलाफ हूँ, तुम मेरी माँ हो, मैं तो तुमको बताऊंगी ना सब बातें। मैं अब तेरी माँ नहीं हूँ, अब मैं सुफियान की माँ हूँ, तू शादी हो गई पराई हो गई, मैं उसकी साइड लूंगी, मैं तेरे साइड पे नहीं हूँ। सुफियान पसंद था, मैं तेरे को बोली थी ये लड़का बहुत अच्छा है, इसी से शादी करना, अब तू शादी होने के बाद सब चीज होने के बाद सब दुनिया भर में शादी होगी, दुनिया भर में लोगों को मालूम पड़ गया कि भाई शादी हो गई, इतने अच्छे से रह रहे हो तुम लोग और अब तू बोरी कोई और पसंद आया है, ये फालतू चीजें मेरे को नहीं समझ में आती है नीता, मेरा दिमाग नहीं खराब करना, मैं तेको बोल दे रही हूँ। मम्मी तो हाइपर मत हो, तुम एक काम करो तुम डड्डू को बुलाओ। नहीं मैं बोलूंगी तेरे बाप को। हाँ तो तुम डड्डू को बुलाओ। हाँ मैं तेरे बाप को बोलूंगी, मेरा हाथ पे ठंडे हो रहे, पागल है क्या? हेलो जरा तुम आओ ऊपर, जरा सुफियान को लेके, मेरे को तुमसे बात करने की है, सुफियान को लेकर और अपना अली को नीचे ही छोड़ो, फायजा लोग को बोलो जरा अली को देखे, जरा फायजा लोग को मत लाओ, रुखसार लोग को भी मत लाओ, उन लोगों को बोलो लॉबी में बैठे हुए, तुम जरा ऊपर आओ सुफियान के साथ। सुफियान को क्यों? नहीं बेटा ये चीज गलत है, ये सब चीजें गलत है, बतानी थी मुझे, नहीं बताने की क्या, ये सब बातें मैं बताऊंगी उसको बेटा, वो मेरा बच्चा है, मैं उसके खिलाफ नहीं जाने वाली हूँ, वो बच्चा इतना अच्छा है, मैं उसको इतना पसंद करती हूँ बच्चे को, तू उसको धोखा नहीं दे सकती और मैं ये एक्सेप्ट करूंगी नहीं ये सब चीजें, समझ रही है ना? तू मेरे सामने डिस्कस करी, तू सुफियान के सामने ये बात डिस्कस कर, वो तेरा आदमी, वो तेरे साथ उसके साथ उम्र निकालने की है तेरे को। बट मम्मी वही तो बात है, मुझे नहीं समझ में आ रहा उसके साथ मैं नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाएंगी, जो भी है सामने बात करो, मैं बुलाती हूँ तेरे बाप को और सुफियान को ही बुलाती हूँ, सामने बात करो, ये पीठ पीछे मेरे को ऐसी सब बातें नहीं समझ में आती, मेरे को मेरी ऐसी माँ हूं ही नहीं कि बच्चों की साइड लूं, मैंने तेरे को हर चीज का तरीका सिखाई हूँ बेटा, तेरी माँ को देख रही है ना कैसा मैं संसार लेके चल रही हूँ, मेरा ससुराल लेके चल रही है, होता है हर किसी की शादी में ऊपर नीचे होता है, आज हम लोग दोनों मियाँ बीवी के भी झगड़े होते, तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं किसी और से दिल लगा लूंगी, ये नहीं दिल नहीं, तो मतलब किसी और से अंडरस्टैंडिंग मुझे, नहीं अंडरस्टैंडिंग तो वो तो बाहर वाले तो सोचेंगे ना बेटा घर तोड़ने का, बाहर वाले तो थोड़े सोचेंगे घर तोड़ने का, और तू वो चीज कर रही है, आज देखो उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी लग रही, कल को थोड़े दिन बाद तू, आज 4 साल तेरा इतना तेरा प्यार चला, तू शादी करी 4 साल बाद, तू बोल रही है शादी अधी होने के बाद, अभी शादी को 2 महीना हो गया, सब पूरे खानदान को मालूम पड़ेगा तेरी शादी हो गई है, दुनिया भर के लोगों में मिसाल है कि मियाँ बीवी हो तो सुफियान और निदा के जैसे, और तू ऐसा बोल रही मैं सुफियान के खिलाफ नहीं जा रही, ऑन कैमरा चीजें अलग होती है, मैं ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो, मेरे को निदा ये लाइव मेरे को ये पसंद ही नहीं है सब चीज, मैं सुफियान के साइड ही हूँ, तू ये सोचेंगी तेरी माँ तेरा साथ दे तो मैं गलत में बिल्कुल साथ नहीं दूंगी, तू उसको समझ नहीं पाएगी लड़का किस तरह का, इतने अच्छे से प्यार से रख रहा है तेरे को, हर चीज दे रहा है, अरे दुनिया भर की लड़कियां ये सब चीजों के लिए तरसती है, तेरे को हर चीज दे रहा है वो, मैं शादी करा के दी हूँ संसार अपना लेके चलो खत्म, तेरे को कुछ भी प्रॉब्लम है तेरा आदमी है उसको बिठा, उसको डिस्कस कर, तेरे को कोई चीज की कमी है तो बोल ना उसको, वो चीज वो पूरी करेगा और करता आया है वो अब तक और करेगा, हमेशा बात कर चुकी हूँ कि अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है यार, इतना अंडरस्टैंडिंग है घर ले लिए, अभी अच्छे से रह रहे खा रहे पी रहे मस्त माशाल्लाह अच्छे से तुम लोग दोनों है,
अपनी भी इज्जत है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा, ये ऐसी लाइफ नहीं चलती। तुम क्या बोलोगे सुफियान को? मैं सुफियान को सब बोलूंगी सीधा सीधा कि तेरे को किसी और से अंडरस्टैंडिंग है, तेरे को वो कोई अच्छा लग रहा है, मैं सुफियान से बात करूंगी। मैं सुफियान से ये बात नहीं छुपाऊंगी, मैं उस तरह की माँ नहीं हूँ कि बेटी की सपोर्ट ले लूंगी। ये सब चीज में मैं तेरे सपोर्ट में नहीं हूँ, सॉरी। फालतू बातें मत करिए, सब बोलने के लिए तो बुलाइए मेरे को यहाँ पे। वो रुखसार आई है, फायजा आई है, उन लोगों को मानना पड़ेगा, तो क्या सोचेंगे उन लोग? इसलिए तो लोगों को नीचे भेज, तो नीचे तू किसी को भी भेज नीचे। मम्मी मेरे को तूने सुफियान के लिए कितना मेरे हाथ पैर जोड़ी थी, मम्मी मैं इससे प्यार करती हूँ। मैं बोली चल ठीक है, अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान है, माँ बाप भी अच्छे, इतने अच्छे माँ बाप है उसके। हाँ, बहू जैसा नहीं, बेटी जैसा रखते है, ऐसा नहीं है नीदा। ये सब चीजें गलत है, ससुराल में और क्या चाहिए लड़की को? जो दुनिया भर के ससुराल वालों को देख जाके, किसी के सास ससुरे अच्छे नहीं होते, किसी की नंदे अच्छी नहीं होती, तेरे को तो हर चीज अच्छी मिली हुई है, उसके बाद भी तू ऐसा बोलते ना, जिसका पेट भरा होता ना उसको फिर भूख लगती है दूसरी जगह। और अगर तू तेरा अंडरस्टैंडिंग किसी और के साथ करने का सोच भी रही है ना, तो ये चीज सोच लेना कि तेरी माँ को तेरे को भूलना पड़ेगा। मैं ये तेरी डिसीजन में बिल्कुल मैं तेरा साथ नहीं देने वाली, खत्म। फिर तेरी माँ से तेरे को रिश्ता खत्म करना पड़ेगा, तेरे मेरे से और तेरे बाप से और तेरे भाई से रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। फिर तेरे को तेरी अकेली लाइफ जीना है जी। मैं गलत में सपोर्ट नहीं करने वाली, सॉरी, मेरे को ये सब नहीं पसंदीदा। तो जिंदगी कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में इंसान गलत डिसीजन भी ले लेता है, 4-10 साल लगता है गलत डिसीजन ले। शादी एक बार हो गई, उसी को लेके चलो, कोई देखो मार रहा पीट रहा नहीं है, वो बच्चा इतने अच्छे से रखा है, तेरी तबीयत खराब होती इतना आगे पीछे होता है, जान उसकी आगे पीछे हो जाती है। देखती हूँ ना मैं ये सब चीजें, हर चीज तो करता है, फिर तेरे को क्या चीज है, क्या चीज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए? मेरे को समझ में नहीं आ रही ये बात। लोग आ गए शायद से, और मम्मी अभी प्लीज उसके साथ मेरा दिमाग नहीं खराब, मैं बोलूंगी चल जाके कोई बुलाओ लोगों को। क्या बोल रहे? बैठो जरा, बहुत बेटी बेटी करते ना, बैठो इधर। क्या बोल रही बेटी, दरवाजा बंद कर भाई। सुफियान, तुम लोग दोनों की शादी लाइफ कैसी चल रही बेटा? अच्छी चल रही है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है तुम लोग दोनों में? अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। वो बोलती के नहीं नाटक मत कर, चल तेरे साथ उसका किसी और के साथ अट्रैक्शन हो गया, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है। वो बोली बहुत सी चीजों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरे में, सुफियान में। ये क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं तुम्हारी मेरे बीच में? क्या चीज की कमी रखा बेटा तूने उसको? कोई चीज की कमी नहीं तुमको, क्या ऐसा तुम? मैं भी उसको वही बोल रही कि बच्चे ने कोई चीज की कमी नहीं, किसके साथ अंडरस्टैंडिंग करी है मेरे समझ में नहीं आ रहा। अंडरस्टैंडिंग हो गई है मेरे को किसी और के साथ, अंडरस्टैंडिंग मम्मी यार तुमको नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मैं उससे नहीं छुपाऊंगी, वो मेरा बच्चा है। तू मेरी बेटी नहीं है, शादी के बाद वो मेरा बेटा हो गया। मैं उससे कोई देख, सुफियान इसने मेरे को मना करी कि मम्मी सुफियान के सामने मत बोलो, लेकिन बेटा तू शादी किया है इसके साथ, देखो इसको लेके चलना। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग दोनों ना ट्रांसपेरेंटी रखो। मैं ये चीज में नहीं कि भाई मैं इसकी माँ हूँ, दूसरी माँ होती तो सपोर्ट लेती बच्चे का, लेकिन मेरे को ये गलत चीज में मैं सपोर्ट करूंगी नहीं। लेकिन मैंने किया क्या जो तुमको ऐसी नौबत आ गई किसी और से? अभी तेरे को अंडरस्टैंडिंग ये वो सब समझ में नहीं आया? हाँ, अब उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई है बिचारी को। ये मेरे को क्या बोली कि सुफियान को मत बताओ मम्मी, मेरे से मेरे को तुम लोग को भेज के मेरे से ये डिस्कस करने के लिए बैठी है यहाँ पे कि मम्मी मेरे को तुमसे डिस्कस करने का, ये फालतू चीजों में मैं मेरे को बोली सुफियान को नहीं बताना। मैं बोली नहीं, मैं सुफियान को बताऊं। लेकिन आंटी मैंने क्या कमी रखा है? वही तो मैं पूछ रही हूँ उससे, कैसा दूसरा कौन मिल गया जिसको जिससे इसको वो लगा हुआ है? सलमान खान कौन है? इज्जत खराब कर दी है जबरदस्ती का। एक महीना वो, दो महीना हो गया अभी शादी को तुम लोग के, उसमें तू ये सब फालतूगिरी कर रही है। बहुत बेटी बेटी करते ना, देखो बेटी क्या कर रही है तुम्हारी, ये क्या फालतूगिरी है? पूरे खानदान में नाक कटा देंगी ये। हर चीज बेचारा तेरे साथ में मिल गया, मेरा दिमाग खराब कर रही है कसम से बोलती हूं, मैं कोई सब चीज नहीं पसंद। मम्मी मैं उससे बहुत अट्रैक्टेड हूं, मैं मार दूंगी तेरे को। मैं मम्मी यार प्लीज, मैं कोई सब चीज नहीं पसंद, खत्म बात। वो बेचारा सब अपने घर वालों से इतना मेहनत कर रहा है, साथ में सब मेहनत करके तुम लोग को कोई चीज की देखो कमी नहीं, हर चीज में तेरे को गिफ्ट देना, ये देना। थोड़ी ना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है यार, अली तेरी हिम्मत कैसी हो रही बोलने के लिए फालतू बातें? मम्मी मम्मी करके समझी ना, खेल लगा के रखी है क्या शादी को? देखो मैं बोली थी मेरे को यही चाहिए, मेरे को यही दामाद चाहिए, और बाप रे बाप निदा।
भाई मम्मी कितना सीरियस सामने कर ये रियल होता तो माँ बहन हो जाती मेरा दिमाग खराब कर दी कसम मेरा हाथ पैर देखो किसी ठंडे हो रहे अरे माँ अरे नहीं नहीं जिस खाब में भी नहीं सोचना बेटा फ्रेंड में ये समझ लेना तेरे को निकाल देगा उसको रख लेंगे हम लोग हाँ सब क्या तेरे मजाक है अंकल मजाक है सही में मजाक है कसम से मम्मी की कसम मजाक है अंकल वो प्रैंक कर रही है तुम लोग के साथ में माँ बाप क्या सोचेगा प्रैंक है बच्चा बहुत अच्छा है मैं उसके खिलाफ जाने थैंक यू आंटी थैंक देखे कितना प्यार करते मेरे से और तू मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रैंक कर रहे हो निदा मत करो निदा यार पानी पियो आंटी पानी पियो ऐसी शादी में इज्जत की माँ बहन हो जाती है अंकल भी टेंशन में आ गए सो गाइस अभी वक्त आ गया है व्लॉग एंड करने का बट उससे पहले हम एक चीज भूल गए थे जो हम लोग थोड़ा बाहर गए पेट पूजा किए तो मम्मी का मूड थोड़ा सेटल हुआ वरना मम्मी बहुत ज्यादा हाइपर हो गए थे और लड्डू का तो ये क्या हो गया लड्डू तुम्हारे हो रहे हो इसे बोलने खा पी के टुन मैं मम्मी हो रही हूं मम्मी आप पे हुआ है प्रैंक तो आपको क्या बोलना है क्या बोलूं बेटा मेरा तंदूरी नाइट्स हो गया बोले तंदूरी नाइट्स डड्डू तुम भी बोलो तंदूरी नाइट्स अली आप भी बोलो तंदूरी नाइट्स जारा मामी आप बोलो तंदूरी नाइट्स ओहो सो गाइस व्लॉग एंड करने की बारी आ गई है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा और मम्मी के ऊपर जो प्रैंक है वो कैसा लगा बेचारे मम्मी देखो आ क्या सोने की एक्टिंग करते हो वाह तो सोने की एक्टिंग करने के लिए वो बहुत ही थक गए और हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती किया आज बहुत फन वाला डे था और मम्मी को बहुत परेशान भी किया तो सॉरी मम्मी बोलो कुछ क्या बोलू बेटा मैं अभी तक वो सदमे से बाहर नहीं आ पाई इसलिए अपना मुंह छुपा लिए सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन लव यू ऑल अल्लाह हाफिज Thank you.